फैशन कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये हर जगह मायने रखता है, क्योंकि जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हमें आम तौर पर तीन चीज़ें ध्यान में आता है। वह है उनका पहनावा, व्यक्तित्व और संचार, यानी कि उनकी बातचीत करने का तरीका। और इसके अलावा हम सभी दूसरों के फैशन सेंस को भी जज करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये फैशन आखिर है क्या? कुछ लोग फैशन को ग्लैमर, व्यक्तित्व, रुचि और स्टेटस मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये उससे भी अधिक है। आज इस वीडियो में हम स्पष्ट करेंगे कि फैशन क्या है, फैशन फोटोग्राफी क्या है, और उसके साथ साथ आप जानेंगे यहाँ फैशन फोटोग्राफी के अन्य प्रकार। क्रिएटिव हर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहाँ आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। तो चलिए हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि ये फैशन क्या है। इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर समाज में अलग अलग राय और नज़रिया है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हर दिन निपटते हैं। फैशन संचार का एक अनौपचारिक रूप है, जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक हर जगह फैशन पाया जाता है। फैशन केवल फैशनेबल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन के तीन महत्वपूर्ण तत्वों को बनाए रखने में आपकी मदद भी करता है। वो है तीन सीज: कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, कंफर्ट यानी कि आराम, और चार्म यानी कि आकर्षित बनना। फैशन हर दिन विकसित हो रहा है। हमारे समाज में विभिन्न ट्रेंड्स को गवाह करने के लिए फैशन फोटोग्राफी की शुरुआत हुई, जिसकी मदद से वो सारी ट्रेंड्स लोगों तक पहुँचे और वे उन्हें खरीद सकें। ये 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत से था, और इससे समाज में पेश करने के लिए कुछ प्रसिद्ध पत्रिकाएं भी आरंभ हुए, जैसे कि वोग और हार्पर्स बाजार, जो आज भी बाजारों में उपलब्ध हैं। और अगला सवाल ये उठता है कि ये ट्रेंड्स क्या है और इनकी शूटिंग कैसी होती है। फैशन फोटोग्राफी में कई प्रकार की शैलियाँ होती हैं, लेकिन किसी भी तरह की शैली को शूट करने के पहले एक फोटोग्राफर को कुछ चीज़ों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जैसे कि कैमरा, लाइटिंग, कलर, लोकेशन और फैशन पोसेस। और अगर आप इन्हें समझने में सफल हुए तो आप 8 विभिन्न प्रकार के फैशन फोटोग्राफी की शूटिंग कर सकते हैं। पहला, एडिटोरियल फोटोग्राफी। ये एक ऐसी शैली है जहाँ आपको फोटोग्राफी एक विशेष विषय के लिए करनी होती है, जो लिपि या लिखाई के आधारित होती है। इस तरह की फोटोग्राफी का उपयोग प्रमुख रूप में पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, ब्लॉग्स में किया जाता है, ताकि लेख को मजबूत किया जा सके। एडिटोरियल फोटोग्राफी विज्ञापनों के लिए नहीं होती है। दूसरा है लाइफस्टाइल फोटोग्राफी। ये शैली कलात्मक तरीके से वास्तविक जीवन की घटनाओं को शूट करने का है, जिससे कि हम जीवन के प्यारे पलों को हमेशा के लिए कैद कर सकें। ग्लैमर फोटोग्राफी फोटोग्राफी क्षेत्र में सबसे सुंदर शैलियों में से एक है। यह शैली सुंदरता और आकर्षण के बारे में है, मुख्य रूप से मॉडल की शारीरिक सुंदरता को वर्णन करता है। ऐसे में किसी भी फोटो में मॉडल के भावों और उनके आत्मविश्वास फोटो को सही अर्थ में व्यक्त करने में मदद करता है। फिर आता है कैटलॉग फोटोग्राफी। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कंपनियाँ अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। अक्सर इस तरह की फोटोग्राफी एक सिंगल कलर बैकग्राउंड में शूट किया जाता है, ताकि खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ये शैली कलात्मक तरीके से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को शूट करने का है, अर्थात ये शैली व्यक्ति के चेहरे और उनकी पहचान को दर्शाता है। किड्स एंड न्यूबॉर्न फोटोग्राफी सबसे चुनौतीपूर्ण शैली, क्योंकि हमारे मॉडल बच्चे हैं, जिससे पोज करवाना मुश्किल होता है। इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों की सुरक्षा की है, जिस कारण शूटिंग में सॉफ्ट नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करना उचित होता है। फिर आता है स्ट्रीट फोटोग्राफी। इसमें फोटोग्राफर्स अपने मॉडल्स की फोटोशूट स्ट्रीट या सड़कों पर या गलियों में खींचते हैं, ना कि स्टूडियो के अंदर, ताकि असली दुनिया के नए ट्रेंड्स का उजागर किया जा सके। न केवल उस विशेष ट्रेंड्स को प्रदर्शन करते हैं,
बल्कि उन कपड़ों को धारण करने पर एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और उनके भावों को भी दर्शाते हैं। और आखिर में आता है पोर्टफोलियो फोटोग्राफी। विभिन्न क्षेत्रों में पोर्टफोलियो फोटोग्राफी को अपनाया जाता है। ये किसी भी व्यक्ति के अपने क्षेत्र में उनके कार्यों को प्रदर्शित करता है। ये कलात्मक लोगों के लिए एक रेज्यूम है। पोर्टफोलियो फोटोग्राफी की जाती है मॉडल्स, फैशन डिजाइनर्स या व्यक्तियों या कंपनियों के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक पोर्टफोलियो क्यों बना रहे हो? क्या आप इसे इंटरव्यू में दिखाने के लिए बना रहे हो, या एक गैलरी में दिखाने के लिए, या फिर एक फ्रीलांसर बनने के लिए? जो भी कारण हो, एक पोर्टफोलियो करने से पहले इस बारे में ज़रूर विचार करें। यदि आप नौकरी और फ्रीलांसर के लिए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तब आपको मॉडल्स या डिज़ाइनर के पोर्टफोलियो की तरह विभिन्न प्रकार के कौशल और तकनीकों का प्रदर्शन करना चाहिए। और अगर आप गैलरी के लिए कर रहे हो, तब आपको एक ही विषय को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो में दर्शित करना होगा। फैशन एक महामारी की तरह है। यह न केवल एक विशेष समुदाय के बीच में बल्कि पूरे विश्व में फैल चुका है। और हमारी दुनिया विभिन्न संस्कृतियों के साथ बहुत विशाल है, और फैशन इसे व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप फैशन फोटोग्राफी की किस शैली में शूटिंग करना पसंद करेंगे और क्यों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना पहले पहुँचे। और अगर आपको फोटोग्राफी कोर्स और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट www.creativehut.org में देख सकते हैं। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो और भी बहुत कुछ जान सकते हैं आप फोटोग्राफी के बारे में हमारे ब्लॉग www.creativehuts.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे। अलविदा।